आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मैकेनिकल सील ऑन सेंट्रिफ्यूगल पंप कॉन्सेप्ट्स। तो अब हम लोग बताएंगे मैकेनिकल सील सेंट्रिफ्यूगल पंप में किधर होता है, और फिर उसके वेरियस पार्ट्स, रोटेटरी और स्टेशनरी पार्ट्स के बारे में बताएंगे, और ये स्टेशनरी पार्ट में स्प्रिंग क्यों, रोटेटरी पार्ट में स्प्रिंग क्यों होता है, उसका कंस्ट्रक्शन बताएंगे। फिर हम लोग डिटेल पंप में जाएंगे और मैकेनिकल सील का हम लोग देखेंगे कहाँ पर है, किस जगह पे इंस्टॉल होता है। तो चलिए गाइस, वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैकेनिकल सील बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के क्लास फोर एग्ज़ाम्स के लिए और सभी के लिए, क्योंकि आजकल के जितने भी सिप्स होते हैं उस पर स्टफिंग बॉक्स, दो तरह के सील होते हैं, एक स्टफिंग बॉक्स और एक मैकेनिकल सील। तो स्टफिंग बॉक्स आजकल जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं पंप्स वगैरह सब में, सेंट्रिफ्यूगल पंप में, क्योंकि वो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, उसी लिए मैकेनिकल सील हम लोग यूज़ करते हैं। ये बेटर मेंटेनेंस है और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसको हर टाइम ओवरऑल नहीं करना पड़ेगा, ये एक बार लग गया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है इसका। तो मैकेनिकल सील स्टार्ट करने से पहले चलिए हम लोग चलते हैं पंप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरा पंप। तो इस पंप में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये हो गया मेरा इम्पेलर, दिस इज़ द इम्पेलर, और ये देख सकते हैं ये शाफ्ट है मेरा, और शाफ्ट और इम्पेलर जो है ये नट से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो नट्स, तो इम्पेलर और जो शाफ्ट है वो नट से कनेक्टेड होते हैं, दो नट से कनेक्ट मैंने कर दिया है। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हो गया मेरा केसिंग, ठीक है, ये हो गया मेरा केसिंग, ये हो गया केसिंग, और जो यहाँ से इनलेट है डेट मीन्स वाटर जो है नीचे से आएगा, आई के यहाँ से निकल करके फिर वो यहाँ से बाहर जाएगा, तो ये आउट है और ये इन। वाटर हमेशा नीचे से आता है और पानी हमेशा इधर से जाता है बाहर। नाउ दिस आर द फोर वियर रिंग्स ओवर हियर, सो द वाटर विल गो फ्रॉम हियर एंड देन इट विल कम आउट। यू कैन सी दिस वियर रिंग विल प्रोटेक्ट द डिस्चार्ज साइड टू लीक इन टू द सक्शन साइड, सो दिस इज द डिस्चार्ज साइड एंड दिस इज द सक्शन साइड, सो दिस वियर रिंग ओवर हियर विल प्रिवेंट द water from leaking into the suction side, and this wear ring will prevent the leakage of water from the discharge side to casing cover. Now this is the casing cover over here and this is the casing, so this is the casing cover over here. So you can see we have a mechanical seal, this is the mechanical seal, and this one is the coupling. So here we have motor, this one is the pump coupling. You can see in the mechanical seal we have a lubrication system over here, so from the discharge side we have a line to the from the suction side we have a line to the mechanical seal for its lubrication. So in this mechanical seal we have a top cover. तो यहाँ पे क्या होता है, टॉप कवर होता है और ये जो मैकेनिकल सील है इसका लुब्रिकेशन यहाँ से होता है। तो इसका बेसिक अरेंजमेंट क्या है, जैसे ये मेरा शाफ्ट है, तो यहाँ पे मेरा इम्पेलर होगा, ठीक है, इम्पेलर और शाफ्ट जो है यहाँ से नट से कनेक्टेड रहते हैं, और उसके बाद ऊपर में मेरा क्या होता है, केसिंग कवर होता है, ठीक है, केसिंग कवर में ही मैकेनिकल सील लगता है, ठीक है, मैकेनिकल सील यहाँ पर अगर बैठा दिए, फिर यहाँ पर क्या होता है, कपलिंग्स होता है मोटर का। तो बेसिक अरेंजमेंट यही है, ये मेरा केसिंग कवर है और ये मेरा इम्पेलर है और ये मेरा नट्स है जो कि इम्पेलर को शाफ्ट से कनेक्ट करता है, और ये क्या है मेरा, ये मेरा कपलिंग है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये मेरा मैकेनिकल सील है। तो ये है बेसिक अरेंजमेंट सेंट्रिफ्यूगल पंप का। तो मैकेनिकल सील को पता चल गया कहाँ पर आता है। चलिए चलते हैं अब
नेक्स्ट, अपने खुद के डायग्राम में मैकेनिकल सील क्या है, एक चेक वाल्व है, और ये क्या करता है, लिक्विड को प्रिवेंट करता है अगर फ्रॉम लीकेज आउट ऑफ द पंप और फ्रॉम ड्रॉइंग एयर इनटू द पंप व्हेन अंडर ए वैक्यूम कंडीशन। तो ये आप लोग मैकेनिकल सील देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा केसिंग कवर है ये वाला, और ये मेरा मैकेनिकल सील कवर है, और मैकेनिकल सील यहीं पर आके रहता है, मैकेनिकल सील यहीं पर रहता है, और ये मेरा कपलिंग है बिटवीन द मोटर एंड द पंप। ठीक है, तो फिर ये क्या करता है, अगर पंप वाटर तो नीचे रहेगा, तो वाटर यहाँ पे वाटर रहेगा, तो अगर यहाँ वैक्यूम अगर आ जाता है या कुछ भी हो जाता है तो मैकेनिकल सील क्या करेगा, वाटर को बाहर नहीं जाने देगा और एयर को अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये है मेरा मैकेनिकल सील का फंक्शन। तो आप देख सकते हैं ये मेरा क्या बोल इम्पेलर है, और ये मेरा मैकेनिकल सील है। ठीक है, और ये नट है, तो क्या होता है मेरा ये, और नीचे में मेरा क्या है, कपलिंग है। ठीक है, नीचे में मेरा कपलिंग है, तो ये क्या होगा, अब ये वाला जो है पार्ट अंदर जाएगा, ये सेफ्ट, ये एक्चुअली ये सेफ्ट है, ये सेफ्ट में मैकेनिकल सील है। ठीक है, तो ये मेरा सेफ्ट है, इसमें आप देख सकते हैं मैकेनिकल सील को हम लोग फिट कर चुके हैं यहाँ पे, और ये जो सेफ्ट है ये अब अंदर जाएगा। ठीक है, इम्पेलर के अंदर जाएगा, और ये दोनों को हम लोग टाइट कर देंगे थ्रू दिस नट्स। तो ये नट्स है, ठीक है, हम लोग आगे जाते हैं। तो ये अब ये मेरा क्या है, ये मेरा सेफ्ट है। ठीक है, तो ये मेरा सेफ्ट है, तो ये सेफ्ट में आप देख सकते हैं ये मैकेनिकल सील है, और ये मैकेनिकल सील में ये मेरा स्टेशनरी पार्ट है, यहाँ से यहाँ रोटेटरी पार्ट है, सॉरी, ये रोटेटरी पार्ट है, और नीचे में यहाँ स्टेशनरी पार्ट होगा, और ये मोटर कपलिंग्स है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नैप रिंग, ये रिंग्स, ये मेरा सर्किलिप्स है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्रेस करेंगे इस शाफ्ट में, तो ये प्रेस करने के लिए ये सर्किलिप्स। तो ये मेरा बेसिक पार्ट्स है, ये रोटेटरी पार्ट है, ये स्टेशनरी पार्ट है, और ये मेरा शाफ्ट है, और ये मेरा मोटर कपलिंग है। रोटरी पार्ट, बस रोटरी पार्ट में क्या होता है, स्प्रिंग्स लगे होते हैं, और स्टेशनरी पार्ट्स, एक स्टेशनरी पार्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्टेशनरी पार्ट ये वाला स्टेशनरी पार्ट है जो यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टेशनरी पार्ट है, तो ये स्टेशनरी पार्ट है ऑफ मैकेनिकल सील। तो आप चलते हैं आगे, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो मैकेनिकल सील है वो प्रेस्ड अप होते हैं टॉप ऑफ द इम्पेलर वेन एंड फिटेड टू द पंप शाफ्ट बाय सर्किलिप्स। इट हैज़ मेनी पार्ट्स, रोटरी एंड सिलरी, रोटरी सील हैज़ ए स्प्रिंग। तो ये देख सकते हैं ये मेरा स्टेशनरी पार्ट है और ये मेरा रोटेटरी पार्ट है। तो रोटेटरी पार्ट में मेरा क्या होता है, स्प्रिंग होते हैं, रोटेटरी पार्ट में मेरा स्प्रिंग होता है, और ये दोनों पार्ट में मेरा ओरिंग्स होते हैं, यहाँ पर भी ओरिंग्स होगा, यहाँ पर भी ओरिंग्स होगा, और ये तो ये रोटरी पार्ट का, ये मेरा रोटरी पार्ट का सील फेस है, और ये मेरा स्टेशनरी पार्ट का सील फेस है, ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में होते हैं। तो अगर ये वियर डाउन हो गया ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, ये वियर डाउन हो गया, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, पुश कर देगा, ये पुश कर देगा ताकि ये दोनों हमेशा कॉन्टैक्ट में रहे। स्टेशनरी पार्ट हमेशा ये रोटेट नहीं करता है, बट रोटेटरी पार्ट जो है शाफ्ट के साथ रोटेट करता है, तो कभी भी वियर डाउन होगा ये दोनों के बीच में, तो फिर ये स्प्रिंग अपना रोटरी पार्ट को पुश कर देगा, और जो वियर डाउन है वो मेरा कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं रोटरी पार्ट और स्टेशनरी पार्ट किस चीज़ का बना होता है। तो रोटरी पार्ट जो बना होता है सेरेमिक, पोर्सलिन और कार्बाइड मटेरियल, और स्टेशनरी पार्ट बना होता है हाईली फिनिश्ड कार्बन का बना होता है, और ये दोनों बहुत ज़्यादा मतलब सोने की तरह होता है, ये
हैंड से हम लोग इसको टच नहीं कर सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है केयर से। स्टेशनरी पार्ट का जो सील रिंग्स है वो ब्रिटल होता है, ठीक है, एंड कैन बी इजिली चिप्ड और डैमेज, सो इट शुड बी हैंडल्ड विथ केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी सील जो रिंग होता है वो ब्रिटल होता है एंड कैन बी इजिली चिप्ड और डैमेज, सो इट। Now the spring in the rotary seal is there to compensate for the micro wear down of the rotary part carbon surface and rotary part carbon material. The spring क्यों लगा होता है rotary seal में, ये मैं बता चुका हूँ, to compensate for the wear down. अगर दोनों के बीच अगर wear down हो जाता है rotary और stationary part के बीच, तो वो compensate करने के लिए. और ये जो और सबसे last point है the o-rings. O-rings के बारे में, तो स्टेशनरी पार्ट और दोनों का रोटरी सील दोनों के पास ओरिंग्स होते हैं, और ये ओरिंग्स जो है ये रबर का बना होता है, रबर लाइक सब्सटेंस कॉल्ड इलास्टोमर्स. तो ये मैं ये है डायग्राम, तो ये डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये मेरा रोटरी सील है, रोटरी सील है यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक मेरा रोटरी सील है, और फिर ये वाला जो ग्रीन पार्ट जो दिख रहा है ये स्टेशनरी सील्स है. तो ये तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा रोटरी सील है यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा स्टेशनरी सील है, और दोनों के पास ओरिंग्स होते हैं. तो ये ओरिंग्स, इसका ओरिंग्स यहाँ पे, और रोटरी पार्ट का ओरिंग ये वाला, और ये रोटरी पार्ट में स्प्रिंग है, रोटरी पार्ट में स्प्रिंग है, ठीक है. तो ये मेरा पंप शाफ्ट है, तो इसका बेसिक अरेंजमेंट यही होता है. ये मेरा मैकेनिकल सील है, ये मेरा पंप शाफ्ट है, यहाँ पे मेरा इंपेलर होगा, और यहाँ पे मेरा नट वगैरह सब होगा, यहाँ पे मेरा इंपेलर होगा, एंड यहाँ पे मेरा नट्स इंपेलर को जो कि शाफ्ट में उसको डाल के रखता है उसको हम लोग नट्स बोलते हैं. और ये मैकेनिकल सील है यहाँ पर, यहाँ पे मेरा केसिंग कवर होगा, और यहाँ पे मेरा मोटर कपलिंग होगा. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल सील को इंस्टॉल कैसे करना है. अब जैसे हम लोग पंप को ओवरहॉल कर लिए सारा, हम लोग वो मैकेनिकल सील को ले आ करके वर्कशॉप में रख दिए, ये रहा मेरा मैकेनिकल सील, इसको डिसमाउंट कर लिए हम लोग, सारा चीज़ निकाल के हम लोग बाहर रख दिए. अब इसको इंस्टॉल करना है, तो इसको इंस्टॉल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मैकेनिकल सील हम लोग ले आए वर्कशॉप पे, ठीक है. फिर यहाँ पे जो मेरा सरक्लिप होगा, सरक्लिप को हम लोग निकाल लेंगे. तो ये मेरा सरक्लिप है, तो ये सरक्लिप को हम पहले हम लोग लेंथ नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ कितना लेंथ है, यहाँ मार्क कर लेंगे और यहाँ मार्क कर लेंगे, ताकि जब हम लोग इंस्टॉल करने समय हम लोग इसी जगह इंस्टॉल कर देते हैं. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सरक्लिप को निकालेंगे, उसके बाद केयरफुली हम लोग सारा चीज़ निकालेंगे, और बाय हैंड हम लोग कुछ छुएंगे नहीं, क्योंकि ये हैंड के वजह से भी ये हैंड के रफनेस के वजह से भी ये इसका सील जो है डैमेज हो सकता है, उसके लिए हम लोग बहुत केयर से करते हैं. उसके बाद ये फिर हम लोग निकाल लेंगे, और जब हम लोग इंस्टॉल करने जाएंगे तो हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे. तो फिर हम लोग ये निकाल लिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे कि ये सही है तो ठीक है, सही है तो फिर हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे इसको, और बाकी सब साफ वाफ करके अच्छे से ओरिंग्स वगैरह सबको देख लेंगे कि कहीं कुछ डैमेज तो नहीं है ओरिंग्स वगैरह सब, और फिर हम लोग मैकेनिकल सील को चारों तरफ देख लेंगे, उसका रबिंग सरफेसेस देख लेंगे रोटरी और स्टेशनरी सील्स का कि घिसा तो नहीं है, अगर सब चीज़ बराबर है तो फिर हम लोग ये सबको इंस्टॉल कर देंगे शाफ्ट में, मैकेनिकल सील को इंस्टॉल कर देंगे शाफ्ट में. फिर जैसे ही हम लोग शाफ्ट में अब इसको इंस्टॉल करेंगे, तो मतलब ये इस टाइप से दिखेगा, ये हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं शाफ्ट में. उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये फिर इसको इंस्टॉल कर लिए, फिर अब इसको इसके अंदर डाल देंगे इम्पेलर में डाल देंगे, फिर इस नट से हम लोग कस देंगे, ये शाफ्ट से हम लोग ये जो नट है
इस नट से ये दोनों को हम लोग टाइटन कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको ले जाएंगे अपना पंप, सेंट्रिफ्यूगल पंप के पास। फिर मैंने अपना एक पार्ट में कर चुका हूँ ओवरहॉलिंग ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप कॉन्सेप्ट, तो वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब इसमें देखते हैं मैकेनिकल सील में क्या क्या लीकेजेस और डैमेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर मैकेनिकल सील इनकरेक्ट टाइप का होगा तो फिर उसमें लीक करेगा। अगर जो मेरा शाफ्ट है, अगर मेरा शाफ्ट है अगर वो बेंड हो गया है, अगर शाफ्ट मेरा बेंड हो चुका है तो फिर तो भी लीक करेगा। ठीक है, शाफ्ट है वो बेंड हो गया तो वो लीक करेगा मैकेनिकल सील। ठीक है, मैकेनिकल सील को अगर हम लोग इम्प्रॉपरली इंस्टॉल करेंगे, अगर बिना मार्किंग के कहीं भी डाल दिए उसको शाफ्ट में, तो फिर वो लीक करेगा। अगर मैकेनिकल सील का ओरिंग्स अगर वो दोनों अगर डैमेज है तो भी मैकेनिकल सील अब क्या है, लीक करेगा। और फिर अगर हम लोग लुब्रिकेशन जो पाइप है जो मैकेनिकल सील को जाता है, ये पाइप जो जाता है पंप के सक्शन से, अगर वो पाइप अगर चोक हो गया या डैमेज हो गया तो इस पर अब वाटर नहीं जाएगा, तो फिर ये मैकेनिकल सील अब मेरा क्या हो जाएगा, ड्राई रन करने लगेगा। जैसे ही ड्राई रन करेगा तो ये जो दोनों के बीच, दोनों रोटरी पार्ट और स्टेशनरी पार्ट का जो सील है, अगर ये दोनों अगर बिना लुब्रिकेशन के अगर ये वर्क करेगा दोनों, तो ये दोनों फिर सरफेस हॉट हो जाएगा। और ये जब हॉट हो जाएगा तो फिर विदाउट लुब्रिकेशन तो क्या क्या करेगा, कार्बन जो फेसेस है उसको डल ब्लैक पाउडर बना देगा, क्योंकि ये हॉट रन होने लगेगा इसके कारण। और दोनों ये रबी हो रहा है, हमेशा हमेशा रब होता है, तो ये डल डल हो जाएगा, डल ब्लैक पाउडर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग हमेशा लुब्रिकेशन रखते हैं। लुब्रिकेशन जैसे ही हटेगा तो फिर ये दोनों सरफेस हॉट हो जाएगा और फिर ये ब्लैक पाउडर बन जाएगा इसका जो कार्बन सरफेस है। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी सील जो सीलिंग प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाएगा, तो फिर पानी जो है लीक करने लगेगा बाहर से। अब हम लोग देखते हैं डैमेजेस टू मैकेनिकल सील। तो मैकेनिकल सील किस किस टाइप से डैमेज हो सकता है, तो मान के चलिए आपने आपका सिप एक पोर्ट पे गया तो उसका जो सी वाटर जो है वो बहुत मडी है। ठीक है, मडी है तो वहाँ से एब्रेसिव पार्टिकल्स पंप के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो मडी है तो उसका एब्रेसिव पार्टिकल पंप के अंदर चला जाएगा। फिर वो क्या करेगा, वो तो कार्बन फेसेस को ग्राइंड कर देगा, दोनों कार्बन जो फेसेस है रोटरी सील और स्टेशनरी सील के बीच जो यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल आ जाएगा, एब्रेसिव पार्टिकल आ जाएगा, तो ये दोनों सरफेस क्या हो जाएगा, फिर ग्राइंड हो जाएगा और जो मैकेनिकल सील का जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाएगा। और दूसरा डैमेज ये हो सकता है कि दोनों के बीच हीट हीट डैमेज, एक्सेसिव हीट कैन डैमेज प्राइमरी रिंग्स एंड इलास्टोमर पार्ट्स। तो अगर हीट एक्सेसिव हीट हो जाता है अगर दोनों के बीच में, तो जो प्राइमरी रिंग्स है अगर इलास्टोमर्स है अगर दोनों डैमेज, अगर एक्सेसिव अगर जो फ्लूड है उसका हीट बहुत ज़्यादा है तो फिर वो दोनों ओरिंग्स को डैमेज कर देगा, मैकेनिकल सील और रोटरी सील का दोनों को डैमेज कर देगा। इसके कारण क्या होगा, फिर वो मैकेनिकल सील अब उसका सीलिंग प्रॉपर्टी चला जाएगा, तो फिर अब वो लीकेज फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डैमेजिंग प्रॉपर्टी। तो इस लेक्चर इसमें इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, सेंट्रिफ्यूगल पंप के बारे में और बताएंगे हम। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन कमेंट मी ऑन द बिलो सेक्शन। सो थैंक यू गाइस।